हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से? अरसलान बात कर रहा हूँ, टेक्सला से। अरसलान साहब टेक्सला से जी, फरमाएं क्या पूछना चाहते हैं? वो मेरे खालिद इधर के बच्चे हैं, वो पहले भी मर गए हैं, वो जुकाम की वजह, जुकाम नहीं ठीक हो रहा, उनका नाक बंद है और आवाज भी उनकी नहीं निकल रही। ओहो, खाते हैं, खाते पीते हैं, मगर जो आवाज भी बोलते हैं ना उनको, उनकी आवाज भी नहीं आती। अच्छा, खाते पीते क्या है उनको? कोई कैंचवे वगैरह कोई दिए हुए हैं? कोई कीड़े वीड़े खाते हैं? कीड़े वीड़े दिए तो चले, वो सीख इसको कहते हैं ना। हाँ सीख, हाँ, ये जो दीमक है। मिट्टी मिट्टी खा लेते हो तो मसला, फिर अभी वो दाल मूंग की दाल वगैरह पोरे शोरे। हाँ हाँ, उन पे लगा दिए ज्यादा। तो इनको जितने भी तीतर हैं, इनकी जो मरगूब गजा है वो कीड़े मकोड़े हैं, और कोशिश तो करें कि उनको दीमक वगैरह या दूसरे, यही इनकी आप रेयरिंग करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो मैं इंशाल्लाह किसी वक्त प्रोग्राम दूंगा कि किस तरह इनके दीमक को ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। दीमक हो जाती है बहुत ज़्यादा अगर कच्ची, चलें इसी में ही बता देता हूँ, कच्ची कच्ची गोबर मिल जाए ना, वो पाथियाँ कहते हैं क्या, ओपले, कच्चे ओपले, वो लेके रखें ना, उस पर एकदम आएगी बहुत ज़्यादा। नहीं, हमारे यहाँ अगर कच्ची ज़मीन अगर मिल सकती है, मगर वो मिट्टी खा लेते हैं तो फिर थोड़ा ज़्यादा मसला नहीं, वो उनके साथ उनको थोड़ा बहुत उनकी डीवर्मिंग भी करनी पड़ती है। अगर मिट्टी खा लें तो वह अंदर मलाप हो जाते हैं उनके, ठीक है? तो मलाप के लिए एक एल्बेंडा जोल मिलती है, साशे मिल जाते हैं, वो एल्बेंडा जोल ले लें, या फारबेंडा, एल्बेंडा जोल। एल्बेंडा जोल का एक साशे 30-40 कबूतरों के लिए, 30-40 परिंदों के लिए काफ़ी होता है। वो पानी में घोल के वो इनको सबको रखें सामने, वो इंशाल्लाह ताला पियेंगे तो उसके एक तो डीवर्मिंग हो जाएगी इन सब परिंदों की, तो ख़ास तौर पे तीतरों का इनको। लेकिन खुराक इसको ज़्यादातर आप ये दीमक कीड़े मकोड़े दें, ठीक है? मक्खन है, मक्खन, हाँ वो दें। दूसरा ये है कि इस तरह करें कि एक लिखें दवाई, ये जितने भी सांस की बीमारियां हो जाती हैं परिंदों में, खसूसन तीतर में और तोतों में, इसके अलावा यहां तक के मुर्गियों में, उनको टाइलोसीन, हाँ टाइलोसीन मिल जाए, या डॉक्सीसाइक्लिन मिलती है, ये सारी चीज़ों का एक मुरक्कब मिलता है, ये आप दवाई का नाम लिख लें, छोड़ें हैं, ये है टाइलोडॉक्स, हाँ ब्रोम हैक्सीन, ब्रोम हैक्सीन। प्रोग्राम देखेंगे ना तो उसमें मैं इसका नाम दे दूंगा, और ये कंपाउंड किस चीज़ का है ये भी उसमें मैं बता दूंगा कि ये टाइलोसिन होता है, डॉक्सीसाइक्लिन होता है इसमें, हैं, ब्रोमैक्सिन होता है, कोलेस्टी देते वक्त आप इसकी जो है पिक्चर भी दे दिया करें, वो जरा पता चल जाता है। नहीं, आप टाइलोडॉक्स ब्रोमहेक्सिन ये ले लें, ये बेहतरीन इसकी दवाई है, ये इससे आप देखेंगे जो भी सांस की बीमारियां इनकी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, और आपके तीतर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फिक्र ना करो, ठीक है? ये दोबारा तो मुझे ये नाम बता दीजिए, ये नाम थोड़ा मुश्किल है। चले मैं उस पर लिख दूंगा ना, तो आपको ये अगर अभी, क्योंकि अभी टाइम खत्म हो चुका है, 1 बजे तक प्रोग्राम होता है, लेकिन आपकी कॉल आपने जी, हाँ ये आप इसीलिए मैं कहता हूँ ना, इनको ज्यादा से ज्यादा आपने कीड़े मकोड़े देने हैं। तीतर जो होता है खाता ही कीड़े है, और उसी से पानी वानी की भी इसकी
जो होती है ना जरूरत वो पूरी हो जाती है, तो इसलिए इसको ज्यादा पानी भी नहीं देना चाहिए। पानी ज्यादा डालेंगे ना तो वो भी बीमार हो जाते हैं। हाँ वो मैंने आपके प्रोग्राम पहले भी देखा, उसमें एक और नाम जुकाम के लिए आपने एक और दवाई का नाम बताया। चलें और दिया होगा, लेकिन ये ज्यादा क्योंकि आपका कीमती है वो मर रहे हैं, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ टाइलोडॉक्स, ये तो याद रहेगा ना, TYLODOX, टाइलोडॉक्स। नहीं, ये जो परिंदों के नहीं मिलते या पोल्ट्री वालों का, वहां से मिल जाएगा इंशाल्लाह, टाइलोडॉक्स। ठीक है, ये सिर्फ याद रख लो, वो ब्रोमोहेक्सीन बेशक ना भी याद रहे, टाइलोडॉक्स तो याद रहेगा ना, TYLODOX, टाइलोडॉक्स। हाँ, ये इस्तेमाल करो, ये पानी में घोल के वो देते हैं, लेकिन आप ड्रॉपर के जरिए इसको इनको पिला दें थोड़ा थोड़ा खाने में। बस इनको और कुछ कुछ नहीं मैं कहता, इनको खाने में ज्यादा से ज्यादा कीड़े दें इनको। वो लहसुन तो ठीक है, वो पी वो क्रश करके वो देते हैं, वो तो आम हर परिंदों को देते हैं, खास तौर पे ये मुर्गियों वगैरह को देते हैं। इनको तो आपने सिर्फ और सिर्फ आपने ये दीमक या दूसरे कैंचुए हो गए ये चीजें खाते हैं, मकड़े हो गए, ये करो ठीक है। दीमक को ज्यादा से ज्यादा ये कर लेंगे, मैंने कहा कि कच्ची गोबर की वो उपले ला के रख लें। दूसरा ये है, इस पे बहुत दीमक आती है, ये पॉपुलर के दरख्त हैं ना आपके पास, कच्ची पॉपुलर के वो शाखें ले लें, टानियां तोड़ के वो जमीन में दफन करें, थोड़ा पानी उसके ऊपर छिड़कते रहें, गीला करके रखें, उस पे बहुत ज्यादा आ जाएगी। ये आपके झाड़ू नहीं होता, आम झाड़ू घर में देते हैं, ये पुराने झाड़ू वही दबा दें मिट्टी में और उसके ऊपर पानी उसको देते रहें, तो उस पे भी बहुत ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, फिर इनको ये सामने इनके आके वो भरी हो जो दीमक से भरे ये झाड़ू, दीमक से बड़े सड़ ओपले, ये सारे सामने रखेंगे, ये सारे खा जाएंगे, मट्टी नहीं खाएंगे, उनको ज्यादा खाएंगे। आपके सामने अगर कोई मैं चिकन की बोटियां रख देता हूँ, टिक्के रख देता हूँ और साथ ही दाल रखी होगी, तो आप सबसे पहले किस साइड पे जाएंगे? मुर्गी की तरफ, टिक्के की तरफ जाएंगे, फिर बाद में दाल की तरफ जाएंगे। तो इसीलिए मेरी जान ये इनको ये खुराक है, ये समझो तिक्कों से भी ज्यादा अजीज है ये कीड़े मकोड़े। ठीक है, अभी कर दूंगा, रिकॉर्ड हो गया है, अभी आपको ये चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा आपका यार चढ़ा दूं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह, नाम क्या बताया आपने? अरसलान। और अटक से? नहीं, अच्छा टेक्सला। अच्छा टेक्सला में आप रहते हैं? ये टेक्सला से आगे न्यू सिटी फेज टू। चलो न्यू सिटी फेज टू, ठीक है मेरी जान, इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, आपके तीतर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, चले वो भी मैं कोशिश करूंगा, अगर दूसरे नंबर से सेंड किया ना, एक तस्वीर भी सेंड की है ना एक टीचर की बच्चे। चले ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह, ओके, अल्लाह, दुआओं में याद रखना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।